सत श्रीकाल आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आ चुका है कलकत्ता का जू के अंदर। अब ये ब्लॉग बहुत दिन बाद हम बनाया, तो काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मिले। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को जू के अंदर क्या क्या है और क्या दिखने को मिलेगा। मंकी दिखने को आ गया, ये है मंकी का है, वो ऊपर चढ़ के बैठा है। आप लोगों को जूम ऑन करके दिखा रहा है, ये है मंकी। और इस तरह का यहाँ पे बना के रखे पूरा नेट से बना हुआ है और साइड में पूरा रेंज जैसा बना दिया आपके बाहर। आगे और क्या क्या है दिखाते हैं। ये देखिए भाई, ये बाल्टी हाउस बना रखा है, ये जो आप देख रहे हैं और इसमें लिखा हुआ कि मुर्शिदाबाद का कोई नवाब था जिसने बना दिया था ये। और एक काफी पुराना जू है इंडिया के अंदर, ये देखिए चाइनीज सिल्वर वैसे। ये देखिए भाई, ये तो कॉमन है, आप सभी ने देखे होंगे ये पैरट जो होते हैं, ये तो बैठा है। आगे जो है ये कौन सा बड़ा है भाई, हिल माइना, हिल माइना है ये। ये दिख रहे आप लोग भाई, इतना नेट घना दे रखे ना जिसके वजह से क्लियरिटी नहीं आ रहे, फिर भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये हिल माइना है। और नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये भी पीकॉक है, ये भी जो बैठे आप लोग देख रहे हैं ये भी एक पीकॉक है, लेकिन इसका एक्टिविटी से मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या कर रहा है। चलिए आगे दिखाते और क्या है। वीडियो बनाने में मुश्किल हो रहा है, एक तो लाइट ऑन करने नहीं दे रहे, इन लोगों का डिस्टर्ब होता है। और आप लोगों को दिखा रहे हैं सो लॉरी सही है, ये सब रखा हुआ है, लेकिन बहुत धूमी लाइट के कारण आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे। और यहाँ पे लाइट ऑन करना भी रेस्ट्रिक्शन है। एक या तो समझ में नहीं आ रहा, हजार रुपये का कुछ है पेंगोलिन, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं दे रहे है कहीं अंदर ही है, वही वही अंदर थोड़ा जूम ऑन करके दिखा रहे हैं, शायद आप लोग देख पाएंगे। प्राणियों के लिए नारकोटन हाउस, इसके अंदर चल के दिखाते हैं क्या है। भाई पूरा अंधेरा है, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, मोबाइल लाइट ऑफ करो, वीडियो
लाइट ऑफ करो मोबाइल लाइट ऑफ सब अभी देखने को मिला हमको क्रोकोडाइल, अभी उधर ही ले जाकर आप लोगों को दिखाते हैं। वो भाई कितना बड़ा है क्रोकोडाइल, देखिए 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 भाई, ये देखिए ये देखिए, ये नीचे भी एक है, ये पानी है, वो हिल गया अभी, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, और क्या क्या है आप लोगों को दिखा दें। आज सैटरडे के कारण काफी सारे भीड़ है, ऐसे दिन भी भीड़ होते रहता है, और विंटर का सीजन में तो ज़्यादा होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और क्या है, है? ये देखिए यहाँ आराम कर रहे, देख रहे होंगे आप लोगों को, और आगे देखते हैं ये क्या है भाई, ये कौन सा बर्ड है, ये विभिन्न प्रजाति का पीकॉक है जो देखने को आ रहा है, काफी सारे यहाँ पे भी एक बैठा है, देखिए और आगे के सारे पीकॉक ही है भाई सारे, ये देखिए ये डबल डबल नेट की वजह से भाई क्लियरिटी नहीं आ रहे, फिर भी हम जितना हो सके आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कॉकटेल है, कॉकटेल और डब है, इंडियन डब है, और आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये भी पीकॉक है भाई, पीकॉक के काफ़ी सारे प्रजाति यहाँ पे हैं, ये देखिए ब्लैक पीकॉक है, एक गीत है, एक गीत जो होते हैं पहले बहुत होते थे, अभी ये विलुप्त है, ये देखिए ये देखिए ये प्रजाति विलुप्त हो चुका है, बहुत कम संख्या में है अभी पूरा इंडिया में, ये देखिए पहले दिखाई बहुत देते थे, लेकिन अभी पिछला 20 साल से इन लोगों को तो दिखता ही नहीं है जो कहां पर है और कैसे है, लेकिन फिर भी संरक्षण कर रखे है गवर्नमेंट ने, और ये देखिए उसको आगे से दिखाता है, ये भी काफ़ी बड़ा प्रजाति का बगुले जैसा है, ये देखिए आराम कर रहे, ये देखिए आ चुका है, आप वो भी दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से शायद दिखेगा, ये देखिए भाई ये जैगुआर है, ये देखिए बहुत दूर में जाकर सोया हुआ है, ये जो है पूरा बना रखे लेपर्ड के लिए, हम लोग का भी दुख रहा है, देखिए आगे दूर में, और आगे चलते हम लोग टाइगर की तरफ, दिखा रहे आप लोग, ओ देखो देखो देख कैसे देख कैसे और सामने
टाइगर तो आप लोगों ने देख लिया, और आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा क्या है। यहाँ पे भाई आई एम पायल, लेकिन ये पायल तो अभी शोर है भाई, ये भी टाइगर है। ये देखिए ये देखिए, वो अंदर दिखाई देगा। वो नेट इतना घना है जिसके लिए वो दिख नहीं रहे, वो अंदर सोए हुए अभी आराम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक टाइगर है, माने कोलकाता बाघ, कोलकाता बाघ खा गया घूम हो गया छे। आपने भी देखा है, अभी देखा है कभी? नहीं, हम नहीं उठा दी जल्दी आए। चलो निकलो भाई, इतना भीड़ है ना। ये देख रहे भाई, यहाँ पे आराम कर रही है। अरे देखिए है ना, जिंदा है, देखिए आप लोगों को दिखा रहे। अभी आ गया टाइगर का पास। ओ भाई यहाँ से दिखाते, उसका पास ले जाके भी आप लोगों को दिखा रहे। ये देखिए भाई टाइगर घूम रहे, बहुत पास आ चुका था, अभी उनके पास जा रहे हैं। कितना बड़ा है भाई, ये देखिए भाई बंगाल टाइगर भाई, और पास ले जाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए आगे की तरफ आप लोगों को दिखा, वो तो अंदर घुसते जा रहे भाई, आ रहे आ रहे भाई, आ रहे आ रहे। वाह, देख लिया भाई आप लोगों ने बंगाल टाइगर। आगे और भी दिखाते हैं, काफी बड़ा जू है ये। आगे जा रहे हम लोग फिशिंग कैट की तरफ, यहाँ लिखा हुआ है फिशिंग कैट, लेकिन वो किधर है अभी देखते हैं। ये है फिशिंग कैट, यहाँ पे वो देखो अंदर भाग लिया, लेकिन कहाँ पे है दिख नहीं रहे। चलिए भाई साहब आगे आगे दिखाई दिया, आगे देखते हैं। ये घूम रहे भाई, ये देखिए ये है फिशिंग कैट। नहीं दे रहे, लेकिन अभी जाएंगे पास में और जाके देखते हैं जो क्या है इसके अंदर। कहाँ पर है? टाइगर बंगाल टाइगर, वो देखिए भाई दिख गया ये, लेकिन कहाँ यार, वो देखिए सब लोग कौन सा किधर कितना दूरी में है मिलने के। दिखेगा ये 100 मीटर टाइगर, 150 मीटर स्नेक है, 270 मीटर यहाँ पे बियर है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है, बने रहिए। यहाँ पे सियाल तो दिख रहे, लेकिन है कहाँ वो देखना पड़ेगा। ये है सियाल है, लेकिन है नहीं भाई, अंदर कहाँ घुसा हुआ मालूम नहीं। चलिए आगे मैकाऊ दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए भाई कितना खूबसूरत खूबसूरत मैकाऊ है। यहाँ पे आवाज बहुत करते हैं ये लोग, वाह। बेबी पैरोट, बेबी ये देखिए भाई, ये भी क्रीम लगा हुआ है सीरियल में।
ये देखिए भाई यहाँ लटका हुआ है। और आगे दिखाते हैं ये क्या है, वेस्टर्न ब्राउन पिजन। ये देखिए भाई डक, ये कौन सा प्रजाति का है मालूम नहीं, लिखा होंगे दिखाते आगे। ब्लैक स्वैन ये देखिए सुई, ब्लैक स्वैन है। अरे इतना डाके नहीं लाल छोटी काका तो डाके आगे देखिए एमू है, ये है एमू, ये देखिए ये है एमू। इसका मत कर, ये देखिए भाई ये है एमू। यहाँ पे आ गया लायन, ये देखिए लायन, ये देखिए वही दूर में जो है, ये है लायन। फिलहाल एक ही दिख रहा है और तो नहीं दिख रहा, एक ही है यहाँ पे। क्या है क्या ये, ये देखिए भाई साहब ये देखो कितनी बड़ी, तुमसे भी लंबी है। नाम सुन रहे थे, देख से दूर चौक दी नाम नहीं है बट देखते क्या है। ये भी एक ब्लू एंड येलो मैकाउ। एंड भाई भीड़ की वजह से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पा रहे क्लियरिटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा दिखा सके। चलिए आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे अभी कुछ है नहीं। और यहाँ पे भी एक बर्ड है, इंडियन क्या लिखा है भाई, इंडियन पाइड हॉर्नबिल जो यहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे भी है, और आगे दिखाते हैं। यहाँ पे तो पैरट है, आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे है रेड टेल्ड ब्लैक काकाटू, लेकिन सब दूर बैठे हैं, आप लोगों को उतना क्लियरिटी नहीं दिखेगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा दिखा सके। यह है ग्रेट ग्रीन मैकाओ, ये है भाई ब्लू मैकाओ, ब्लू एंड येलो फीमेल लायन, फीमेल लायन वो आ गया, ये हिप्पो दिखा रहे कहाँ पे, नहीं जले तो अच्छे जल तो नोच चाहिए नहीं भाई, इधर दिख नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं होंगे छुपे बैठे या पानी के अंदर होंगे, तो अभी तो फिलहाल नहीं है, दूसरा कुछ दिखा दे। एलिफेंट का पास, ये देखिए भाई एलिफेंट है यहाँ पे, और दो ही तो दिख रहे, ये देखिए भाई ये काफी बड़ा जगह ले रखा है एलिफेंट के लिए। ये देखिए और थोड़ा नजदीक से दिखा रहा है, ये इंडियन एलिफेंट है भाई, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये इंडियन है, भारतीय हाथी है हम लोगों का। ये देखिए आप लोगों ने देखे होंगे, और आगे की तरफ दिखाते हैं और क्या क्या है। देखिए भाई यहाँ पे भी बगुला है, काफ़ी प्रजाति का है,
सब बहुत सारे प्रजाति का है। कुछ बोल जाए था इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। ये देखिए भाई सारे पैमाना रखा हुआ है, बहुत सारे हैं और एक नहीं दो तीन प्रजाति का यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं सब अलग अलग है, ये बड़ा है थोड़ा, वो थोड़ा छोटा है और वो ब्लैक जैसा है। ओ भाई आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये सारे मगरमच्छ बाहर आ गया। ये देखिए भाई सारे धूप सेक रहे। ये देखिए भाई चार पांच रखा हुआ है। और थोड़ा जूम ऑन करके दिखा रहे, काफी बड़ा बड़ा साइज का है भाई, काफी बड़ा है ये। तो फाइनली 80% आप लोगों को दिखा चुके हैं, अभी 20% में कुछ बाकी रह गया, वहाँ दिखा के आप लोगों को कंप्लीट करते हैं आज का ब्लॉग्स। या सरीसी भवन मतलब माफी तो लिखा रखा होगा सर अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को ये अंदर का वीडियो नहीं देखा पाया क्योंकि यहाँ पे फुटेज बनाना सख्त मना था। तो अंदर जो हम लोगों को दिखने को मिला पाइथन का काफ़ी सारे प्रजाति मिला और कुछ और देखने को मिला ऐसे ही इंडियन गोखरा वगैरह ये सब कुछ था, कुछ प्रजाति का सांप था जो दिखने को मिला। आगे की तरफ दिखाते आप लोगों को और क्या क्या दिखने को मिलते हैं। ये है यहाँ का गाइडलाइंस, ये आपको पूरा दिखेगा कहाँ कौन सा एनिमल है। ये आप लोगों को एक बार दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। चले इस दिशा में बढ़ते आगे की तरफ, आखिरी लास्ट है ये जेब्रा दिखाकर आप लोगों को आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे। ये देखिए जेब्रा है, ये है, इसमें चार पांच रखा हुआ है। तो ऑल माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। आप लोग जितना लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे हम लोगों को आगे वीडियो बनाने के लिए और सहायता मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।